हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से ऑनलाइन कंपटीशन पॉइंट में। दोस्तों अगेन आज हम वही चैप्टर शुरू करेंगे अपना परसेंटेज, और क्वेश्चन वही डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस लेवल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज वीडियो पांचवी है, लेकिन अभी तक मैंने कुछ में ट्रिक्स बताई है, कुछ में शॉर्ट मेथड बताए हैं कि हम कैलकुलेशन को कैसे ईजी कर सकते हैं, और ओवरऑल मेरे पास आज टाइप सी मतलब तीसरे तरह के क्वेश्चन है परसेंटेज के, जो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं से शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये मतलब आज की वीडियो में टाइप सी है। पहले मैंने आपको दो तरह के क्वेश्चन कराए हैं और आज इस पर डिस्कस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको जो बताया था, एक्स अगर ज्यादा है वाई से इतने परसेंट, और वाई कितना है इससे वाई से कितना कम है, उस तरह के जो मैंने आपको चार्ट बनवाया था दो, उसी से क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट ये पूछे जाते हैं, लेकिन है उन्हीं से रिलेटेड। क्वेश्चन को चेंज कर देंगे, घुमा देंगे पूरा। जैसे कमोडिटी मतलब कोई भी जो सामान है उसका रेट बढ़ गया, उसका कंजम्पशन घटाना है तो हमें कितना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, इस तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। परसेंटेज में हम कह सकते हैं बहुत सारे पार्ट्स हैं, एक अकेला छोटा मोटा तो कुछ है नहीं कि परसेंटेज हमने बस बोला कि एक से लेकर दस तक के टेबल याद कर लो परसेंटेज खत्म हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है ना परसेंटेज के, अगर आपने वो कर लिए, आने वाले चैप्टर आपके लिए ये जो वीडियो में जो पांच पांच चीजें बनानी पड़ रही है परसेंटेज में, आज फिफ्थ पे मैं चल रहा हूँ टाइप सी मतलब तीसरे तरह के सवाल पे आऊँ, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इजीली आप खुद मेरे से आगे आंसर देते हुए चलेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन लेते हैं, प्राइस ऑफ शुगर। चलो उससे पहले दो फॉर्मूले बता देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला है, अगर इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मतलब अगर किसी चीज का कोई प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, और मतलब बढ़ गया कितने भी परसेंट बढ़ जाए, तो जो रिडक्शन हमें उसमें कंजम्पशन घटाना है। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि पहले हमारे पास चीनी मैं 100 रुपए की खरीदता था, ठीक है, और इसका प्राइस जो है 10% बढ़ गया चीनी मुझे, और मैं पहले 100 रुपए में 10 किलो चीनी खरीदता था, अब कितना रेट हो गया 10% बढ़ने के बाद, अब हो गया 110, ठीक है। लेकिन 110 नहीं, मुझे चीनी तो 100 की खरीदनी है, मुझे ये जो मेरी खपत है ना इसको कम करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं चाह रहा हूं कि भाई मैं 100 रुपए कमाता हूं, दोबारा भी 100 रुपए ही कमा रहा हूं, लेकिन महंगाई बढ़ गई तो जरूर जाहिर सी बात है, अगर मैं ऊपर का पैसा नहीं आएगा मेरे पास तो मुझे अपनी जो सैलरी को कम करना, मतलब खर्चा है वो कम करना पड़ेगा। उसी तरह के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो इसमें क्या करेंगे, अगर प्राइस बढ़ जाए और कंजम्पशन घटाना हो, पहली कंडीशन है प्राइस बढ़ जाए आर परसेंट और कंजम्पशन हमें रिड्यूस करना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, कंजम्पशन हमें घटाना हो। सबसे पहली कंडीशन सेम वही वाला सवाल है, रेट बढ़ गया मतलब पहले वाली कंडीशन हमें ज्यादा वाली कंडीशन यूज हो जाएगी, जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है सारी वो वाली खोल लेना, कंजम्पशन कम करना है, ठीक है। तो अब देखो करना क्या है, इसमें जैसे इसका फॉर्मूला है R अपॉन, ज्यादा वाले में मैंने क्या बताया था, ज्यादा वाले में अगर प्राइस बढ़ गया है तो 100 प्लस R इंटू 100, ये वाला रूल बताया था मैंने। इस वाले केस में बात आती है कम वाले की, कम वाले में मैंने आपको क्या बताया था, कम वाले में बताया था R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100। इसी बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे, तो जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं उन सबको माइंड में रखना। आज की वीडियो में फास्ट क्वेश्चन करेंगे, मतलब तेजी से क्वेश्चन करेंगे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में हमें 30 सेकंड एक क्वेश्चन को करने की मिल रही है, लगभग अप्रोक्स में बोलो 30 सेकंड मिल रही है। अब उस टाइम में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब अगर मैं आपको समझाने के तरीके से करता रहूंगा और आप भी मेरे तरीके से चलते रहे समझाने के, हर क्वेश्चन को लेंथी मेथड से करते रहे तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आज जो करेंगे इनको फास्ट बनाएंगे जितना हो सकता है, जितनी फास्ट कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। प्रैक्टिस आप करोगे ना उससे भी तेज होंगे। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहां पे, प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%। क्वेश्चन क्या है, जो शुगर का प्राइस है वो 20% बढ़ गया, शुगर का जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब ये फैमिली उसमें क्या करे कि जो उसका कंजम्पशन है उसका कितना कंजम्पशन घटाए,
उसका कितना कंजम्पशन घटाए कि जो मतलब उसका एक्सपेंडिचर है वो चेंज ना हो, ठीक है, जो उसका एक्सपेंडिचर है वो चेंज ना हो, एक्सपेंडिचर डज नॉट अफेक्ट, ठीक है। तो सॉरी, अब इस क्वेश्चन में 20 प्लस अगर हम उसी मेथड से करें 20 अपॉन यहां पे फिर से 100 प्लस 20 इंटू 100 वो वाला मेथड अगर हम करते हैं, मैंने आपको पूरी चार्ट बना के बताया था कैसे करते हैं, 100 अपॉन में 6 आ जाता है और फिर इसको डिवाइड कर देते हैं 16 2/3 कितने परसेंट। अब ये तो था मेरा फॉर्मूले वाला मेथड, अब अगर मैं इसको समझाऊं आपको तो कैसे करेंगे, 20% का क्या बताया था, चलो फास्ट मेथड करते हैं, 1/5 जब ज्यादा हो जाता है इसको इसमें जोड़ लेते हैं, 5/6 मान लेते हैं, ठीक है, 6/5 नीचे वाले में एक जोड़ा, 6/5 मान लेते हैं, अब 6/5 हो गया, अब इनमें डिफरेंस कितना का है, ये इससे कितना ज्यादा हो गया, 1 किससे, 6 से मल्टीप्लाई में 100 कितना है, 100/6 और अगर इसको भी कम करें 16 2/3 तीन आएगा यहां पे, ठीक है, अगर हम इसे काटेंगे 3 आएगा, 16 3 48 तो 50/3 इसे भी काटेंगे 50/3 ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं हम फास्ट कैलकुलेशन में। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह से, ठीक है, इसका एक और मेथड है, जैसे अगर मैं बताऊं भाई 20% रेट बढ़ेगा किसी चीज का, तो इनिशियल रेट हो गया और फाइनल रेट हो गया, तो 20% को क्या लिखते हैं, 1/5 अब बढ़ गया है तो ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 6/5 तो इनिशियल कितना हुआ 5, फाइनल कितना हो गया 6, क्यों, क्योंकि 6 जो है वो बढ़ा है, अब कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है, कितना हो गया है 6 × 100 एक बढ़ के 6 हो गया। अब आप सोचो 6 क्यों ले रहे हैं, 6 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें रिडक्शन इसी से देखना है, ठीक है, तो 16 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं यहीं पे, क्वेश्चन है इफ फूड प्राइस गो अप बाय 10%, इस बार कह रहा है अगर फूड का जो प्राइस है खाने का, किसी भी खाने का जो प्राइस है, फूड प्राइस इंक्रीज मतलब बढ़ गया 10%, आगे वो पूछ रहा है फूड इंक्रीज बाय 10%, हाउ मच शुड अ मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन, मतलब अपना कंजम्पशन कितना घटाया जाए, अपना कंजम्पशन कितना घटाया जाए कि जो उसका एक्सपेंडिचर है उस पर कोई फर्क ना पड़े। वीडियो बहुत ध्यान से देखना, पूरी वीडियो स्किप मत करना, मतलब एक्सपेंडिचर को कोई चेंज ना आए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने क्या बताया था, 10% को क्या लिखेंगे, 10% को मैंने बताया था 1/10 लिखते हैं। अब इनिशियल क्या था, अब रेट बढ़ गया है, आपको दिख रहा है रेट बढ़ गया है इनिशियल और फाइनल, इनिशियल कितना था 10, एक जोड़ के बढ़ गया तो फाइनल कितना हो गया 11, कितना बढ़ा 1 बढ़ा, किस पे हो कितना हो गया 11 हो गया मल्टीप्लाई 100, तो इतना रिडक्शन करना पड़ेगा, इतना खर्चा अगर वो अपना कम करेगा, मतलब इतना सामान अगर कम घर में एक्सपेंड करेगा, इतना खाना कम परचेज करेगा, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है भाई। मेरे पास, मैं एक एग्जांपल से कह सकता हूं, मेरी अगर सैलरी जो है वो 100 रुपए है और मैं 100 रुपए में 10 किलो चीनी खरीद रहा था, अब चीनी का रेट बढ़ गया तो मेरी सैलरी बढ़ी नहीं, मेरी सैलरी उतनी है तो मुझे चीनी जाहिर सी बात है अपना खर्चा कम करना पड़ेगा ताकि मैं उतने में अपना काम चला सकूं, वही है उसी टाइप के सब क्वेश्चन है। तो फूड प्राइस 10% बढ़ गया, ऐसा क्या करूं, अपना खर्चा जैसे कितना कम करूं ताकि मेरे पैसे को कोई फर्क ना पड़े, एक्सपेंडिचर को कोई चेंज ना आए, तो यही उसका आंसर है, इनिशियल से फाइनल इंटू 100 कितना आ जाएगा 9 11 और इतने परसेंट। जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है ना, आप उन ट्रिक्स को ध्यान में रखना, हर एक क्वेश्चन आप सेकंडों में करोगे मैं बोल रहा हूं ना। और अच्छा, ये तो था इंक्रीज वाला, एक डिक्रीज वाला बता देता हूं, ठीक है, एक थर्ड क्वेश्चन लेता हूं, डिक्रीज वाला अब की बार कह रहा है प्राइस जो है चीनी का, प्राइस ऑफ अ शुगर, अच्छा 10% डिक्रीज हो गया,
अब हमें खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब मैं 100 रुपए थे मेरे पास, पहले मैं 100 रुपए में 10 किलो चीनी खरीद रहा था, अब चीनी सस्ती हो गई तो मैं ज्यादा चीनी खरीद सकता हूँ। तो यही पूछ रहा है कि कितना खर्चा बढ़ा लूं ताकि मैं फालतू चीनी खरीद सकूं, मुझे उतने रुपए की चीनी खर्च करनी है हर महीने, तो बराबर करना है। अब कैसे करेंगे, देखो प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज हो गया 10%, तो कंजम्पशन में अपना कितना बढ़ाऊं, कंजम्पशन मुझे मैं कितना बढ़ाऊं कि मेरे जो एक्सपेंडिचर है ना उस पर कोई चेंज ना आए। सिंपल वर्ड्स में मैंने क्वेश्चन लिख दिया पूरा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर लिखो प्राइस शुगर 10% बढ़ गया, कंजम्पशन अपना कितना बढ़ाऊं ताकि मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कोई चेंज ना आए। देखो दोस्तों फॉर्मूले से वही वाला मेथड, आर अपॉन 100 माइनस आर, लेकिन इस बार क्या है जब रिड्यूस हो रहा है ना, जब मैंने बताया था कम होगा तो 100 माइनस आर वाला फॉर्मूला लगेगा, इस बार इसे कैसे करेंगे, 10% को मैंने क्या बताया था अभी 1/10 लिख सकते हैं इनिशियल और फाइनल, ये सब आप दिमाग में करेंगे, ये यहां पे तो समझाने के लिए बोर्ड पे लिख रहा हूं। इनिशियल और फाइनल, इनिशियल कितना था 10, फाइनल कितना हो गया 9 क्यों हुआ, पिछले में तो 11 था क्योंकि इस बार ना घट गया, 10 में से 1 घटा दिया, मैंने 9 लिख दिया इसीलिए। अब कितने का चेंज आया, 1 का, भाई 1 का फर्क आया ना, 1 का फर्क आ रहा मेरे पास, ठीक है तो फाइनल कितना हो गया 9, जो फाइनल हो रहा है यहां पे, इसमें फाइनल पे ध्यान देना है, मल्टीप्लाई में 100 वही हमारा हर बार आंसर होता चला जाएगा, पहले 11 था तो 11/2 में, अब की बार फाइनल 9 हुआ तो 9, तो कितना आ गया 11 1/9, ठीक है। ये सारी वैल्यू आप याद कर सकते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया सेम वही है, कोई इस तरह से एडिशनल कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनके बारे में भी एक ऐसा चार्ट बनवा दूंगा कि अगर पहली बार में 10% बढ़ जाए सैलरी, फिर 10% बढ़ जाए तो कितने का चेंज आएगा, पहले 10% बढ़ गई फिर 10% घट गई तब कितने का चेंज आएगा। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब परसेंटेज में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है जो मैं आपको करा रहा हूं। वैसे तो मेरे पास जो सामने मेरी बुक रखी है इसमें लगभग 350 सवाल है, ठीक है 350 कराने तो पॉसिबल है, क्योंकि करा हुआ बिल्कुल करा सकता हूं, लेकिन वो ऐसा भी होता है कि एग्जाम पर्पज से नहीं होते, हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैं वो बता रहा हूं ना जो मैं खुद एग्जाम में जब देने बैठता हूं ना, जो मैंने दिए भी है, मैंने एग्जाम भी पास किया है, खुद मैंने दिए हैं एग्जाम पास करा है, तो इन्हीं लेवल के क्वेश्चन मैंने देखे हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, अच्छा एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एक पर्सन जिसकी सैलरी पहले 20% बढ़ा दी गई, मेरी सैलरी 100 थी पहले 20% बढ़ा दी, उसके बाद वो बोल रहा है देन 20% घटा भी दी, तो मतलब फाइनल इफेक्ट क्या हुआ मेरी सैलरी पर, भाई 20% ही बढ़ाई 20% ही घटाई, तो मेरी सैलरी पे क्या चेंज हुआ, फाइनल नेट इफेक्ट ऑन सैलरी हम कह सकते हैं, नेट इफेक्ट ऑन सैलरी, तो क्या हुआ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सपोज करो एक समझाने का तरीका बता रहा हूं, मेरे पास सैलरी थी 100, जो मेरी सैलरी थी वो थी 100, माना मेरी सैलरी थी वो 100 थी, ठीक है, तो अब 20% बढ़ गई, 100 का 20% 20, मेरी सैलरी हो गई 120, ये तो था फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में क्या रहा है, 20% घटा दी, सेकंड केस में मेरी सैलरी कितनी हो गई 120, 120 का 20% कितना होता है 24, 120 का 20% ऐसे तो निकालते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 3 24, अब इसमें से 24 घट गए, मतलब पहले 20 बढ़ाए तो 20 जुड़ गए, अब इसमें से 24 घट गए, 24 घटने के बाद क्या बचा 96, अब मुझसे पूछा नेट इफेक्ट ऑन सैलरी, मेरी सैलरी में क्या फर्क पड़ा, भाई पहले मेरी सैलरी 100 थी जब बढ़ाई तो 120 हुई, फिर 120 से जब घटाई तो 96 हो गई, तो मैं तो घाटे में चला गया, 4% का चेंज आ गया, 4% हमेशा डिक्रीज हो रही, ठीक है 4% जो है डिक्रीज हो रही। एक कंडीशन और बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, अगर सेम बढ़ रहा है, सेम परसेंट रेट ऑफ इंक्रीज जो है सेम है, और रेट ऑफ इंक्रीज जो है, रेट ऑफ इंक्रीज ही उतना ही है, मतलब जो डिक्रीमेंट है वो भी उतना ही और इंक्रीमेंट भी उतना ही, तो हमेशा लॉस होगा याद रखना। अगर 10 रुपए मेरे बढ़ा दी, 10% मेरी बढ़ा दी सैलरी और 10% ही घटा दी तो हमेशा लॉस होगा, ठीक है, तो यहां पे 4% का लॉस हो गया। इसी तरह अगर होता क्वेश्चन, एक पांचवा क्वेश्चन देता हूं, अगर 10% बढ़ती फिर 10% घटती, ठीक है
10% बढ़ती फिर 10% घटती तो मेरी सैलरी पे क्या फर्क पड़ता। चलो इसको भी देख लेते हैं। माना मेरी सैलरी थी 100, 10% बढ़ा दी, कितनी हो गई 90, सॉरी बढ़ाने के बाद 110, ठीक है 10% बढ़ गई तो कितनी हो गई 110। अब मेरे पास सैलरी है 110, अब घटा दी मेरी 10%, 10% 110 का 10% कितना होता है 11, ठीक है 110 का 10% 11, अब 11 इसमें से घटाएंगे कितनी हो गई 99, 100 से मेरी सैलरी 99, तो 1% का चेंज हो गया। अब ये जो चेंज होते हैं ना, इन सबका मैं आपको चार्ट बनवा दूंगा एक ही बार में, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। समझाने का तरीका था इजी था, बहुत अच्छा था, बहुत ही इजी मेथड ये था, ठीक है। इसका बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा आप, एक और शॉर्टकट मेथड बताता हूं, इसका शॉर्टकट मेथड बताता हूं, दोनों तरीके से करा दूंगा। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं, पहले सैलरी जो है वो 10% बढ़ा दी, फिर 10% बढ़ा दी, फिर 10% घटा दी, ठीक है आपको समझ में आ रहा है ना, 10% बढ़ा दी 10% घटा दी, तो मेरी सैलरी पर नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट ऑन सैलरी, ठीक है नेट इफेक्ट ऑन सैलरी, तो क्या होगा, जैसे इसमें करते क्या है, इसमें करते हैं एक्स, मतलब एक्स हो जाता है पहला वाला, वाई हो जाता है दूसरा वाला रेट, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई एक्स वाई अपॉन 100 है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। अच्छा अगर रेट सेम है, मतलब बढ़ने वाला भी सेम है और घटने वाला भी सेम है, समझ लिया ना, अगर घटने वाला भी सेम है पढ़ने वाला भी सेम है, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक एक्स स्क्वायर अपॉन 100, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, x भी 10 है y भी 10 है, तो दोनों मतलब 10 ही हो गया, x और y इंटू 100 क्या हो गया 10 की 10 में करी 100 अपॉन 100 कितना हो गया 1। हाँ और ये क्या हुआ, एक क्या हुआ, जब मैंने बताया था 10 सेम बढ़ाए सेम घटाए तो हमेशा डिक्रीज होगा मतलब कम होगा, तो 1% जो है वो घट गई। ये सारे मैं चार्ट बनवा दूंगा, समझा रहा हूं पहले समझ लो, ये तो ना ये वाला मेथड। अब इस मेथड को इससे करते हैं, x क्या है 10, y क्या है 10 प्लस एक्स वाई 10 इंटू 10 अपॉन, क्योंकि ये घट रहा है दोस्तों, अब ये ध्यान रखना जैसे घट रहा है तो यहां पे हमें माइनस लेना पड़ेगा, पहले वाला प्लस मतलब जो इंक्रीज हो रही है तो प्लस रखना है, और जहां पे डिक्रीज हो रही है उसके लिए माइनस यूज करना है, तो यहां पे क्या यूज करेंगे माइनस, सेम यहां पे भी क्या यूज करेंगे, जब प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा माइनस आएगा, तो यहां पे भी माइनस आएगा उसी तरह, तो क्या करेंगे 10 माइनस y 10 माइनस 10 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 100, ठीक है अब 10 प्लस के 10 माइनस के ये कैंसिल आउट हो गए, अब यहां पे क्या बचा माइनस का 1, माइनस का 1 का मतलब क्या है डिक्रीज हो गया, अभी मैंने भी तो वही बताया था एक्स स्क्वायर अपॉन 100 करके भी कि डिक्रीज होगी, ठीक है सेम। एक और क्वेश्चन लेता हूं, ये तो था माइनस वाला, अब की बार प्लस वाला और बता देता हूं, अगर 10% इंक्रीज हो जाए और फिर दोबारा 10% इंक्रीज हो जाए, आपको देखने में लगेगा 20% बढ़ गई, लेकिन गलत है, ठीक है 10% बढ़ गई फिर 10% बढ़ गई, नेट इफेक्ट क्या हुआ, तो 20% नहीं बढ़ी। अब इसे चेक करते हैं, मेरी सैलरी पहले 100 थी, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, 10% बढ़ी तो कितनी हो गई 110, 100 का 10% 110। अब सेकंड केस क्या बन रहा है, मेरी सैलरी थी 110, 10% फिर से बढ़ गई, तो 10% पे अगर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, 110 का 10% कितना आएगा 11 आएगा निकल के, आप देख लो 11 आएगा, तो 11 और ऐड हो गए कितने हो गए 121, मतलब मेरी सैलरी 100 थी, और अगर दो बार मेरी सैलरी 10-10% बढ़ती है तो 21% बढ़ जाएगी, ना कि 20%, कितनी बढ़ी 21%। ये तो था मेथड, ट्रिक भी है, फॉर्मूला भी है, कंसेप्ट भी है, सब कुछ यही है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। अब उसी फॉर्मूले पर आते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब मैंने बोला था अगर बढ़ रहे हैं तो हर बार हमें प्लस लेना है, अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो प्लस लेना है, ठीक है अब ये भी इंक्रीज तो प्लस में लेंगे, प्लस में कितना लिखा 10 प्लस यहां पे भी 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। मैंने उससे आंसर क्या निकाला था, जो अभी आपको कंसेप्ट बताया था, 21% आपको बढ़ोतरी बताई थी, इंक्रीमेंट बताया था। अब 10 और 10 20 प्लस 10 की 10 से मल्टीप्लाई करी 100 और 100,
तो एक आ गया प्लस वन, कितना आ गया 21, 21% मेरी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत इजी था ये कॉन्सेप्ट भी। एक क्वेश्चन होने से अगर इस बार इसे घटा दूं मैं, ठीक है, अगर इस बार इसे मैं घटा दूं फिर से, कितने फास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, फास्ट कैलकुलेशन करा रहा हूं, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, और मैंने बताया था अगर इंक्रीज होगा तो प्लस लेंगे और डिक्रीज होगा तो माइनस लेंगे, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है ये, तो समझ में आ रहा है ना भाई, बढ़ रहा है तो प्लस ले लो, घट रहा है तो माइनस ले लो। फॉर्मूला सेम वही, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अगर हमारी पहली वैल्यू प्लस होगी तो प्लस, माइनस होगी तो माइनस, एक बेसिक फॉर्मूला मैंने बता दिया नेट इफेक्ट का परसेंटेज में, ठीक है, बढ़ रही है तो यहां पर प्लस में है तो प्लस ले लो, माइनस है तो माइनस ले लो, प्लस है तो प्लस ले लो, माइनस है तो माइनस ले लो। अब हम इस फॉर्मूले को इसमें चेक करते हैं, 10% घटी तो मतलब पहली वैल्यू मेरी होगी एक्स, हो गया मेरा माइनस 10, वाई फिर घट गई तो वाई भी मेरा कितना हो गया माइनस 10, ठीक है। अच्छा अब इस फॉर्मूले में से पुट अप कर देते हैं वैल्यू को, एक्स की जगह पे माइनस 10, वाई की जगह पे माइनस 10, एक्स वाई की जगह पे माइनस 10 और फिर से माइनस 10, तो अब यहां पे क्या हुआ, माइनस 10 मल्टीप्लाई माइनस 10, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अच्छा ठीक है, अब करते हैं माइनस 10 माइनस 10 माइनस और माइनस कितना होगा प्लस, प्लस का 100 अपॉन में प्लस का 100, 100 से 100 कट गया, एक आ गया यहां पे, तो कितना हो गया माइनस, माइनस 10 और माइनस 10, माइनस का 20 प्लस का 1 तो कितना है माइनस का 19, मतलब मेरी सैलरी जो है वो माइनस 19% घट गई, ये परसेंटेज में है, ठीक है, माइनस 19% मेरी सैलरी घट गई, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा कांसेप्ट है। अब इसे अगर प्रूव करके दिखाऊं तो प्रूव करके दिखा देता हूं, देखो पहले 10 मेरी सैलरी मान लो नेट कर लिया, पहले जो फर्स्ट केस में मेरी सैलरी थी वो थी 100, 10% घट गई, 10% घट गई तो कितनी रह गई 90, अब सेकंड केस लेते हैं फिर से 10% घट गई तो अब मेरी सैलरी कितनी है 90 है, फिर से 10% घट गई, 10% कितना होता है 90 का 9, ठीक है, 10% 90 का कितना आता है 9, दो जीरो से दो सीधी दो जीरो घट जाते हैं 9 बचा, अब 90 में से 9 घटा है 81, आप देख रहे हैं 100 से 81 हो गया तो मेरी सैलरी कितनी घट गई 19% घट गई, ठीक है, बिल्कुल सेम मैंने प्रूफ कर दिया है। एक क्वेश्चन थोड़ा एडवांस हो जाता है इसी तरह में, आपको लग रहा था ये तो बहुत इजी थे, चलो थोड़ा सा इसे एडवांस बना देते हो, अगर किसी आर्टिकल का प्राइस 10% बढ़ गया देन अगेन 10% फिर से बढ़ गया, मतलब प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज सक्सेसिवली बाय 10% ईच टाइम, मतलब एक आर्टिकल का प्राइस लगातार दो बार 10% बढ़ा दिया गया 10% करके, तो वापस पुराने प्राइस पे आने के लिए कितने परसेंट घटाना पड़ेगा, ठीक है, अभी अगर हम जैसे 10% मैंने बढ़ाया तो 10% बढ़ाने के बाद मेरा इंक्रीमेंट कितना हो 21%, अभी मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया था, 20% नहीं 21% प्रूफ करके दिखाया था, ठीक है, तो करना क्या है, इस बार कह रहा है 10% बढ़ा दिया तो कितने परसेंट अब मैं फाइनल में घटाऊं ताकि वापस मेरी सैलरी पहले जितनी हो जाए, तो वापस से हमें पहले वाली सैलरी पर आना है तो कितने परसेंट का रिडक्शन करा जाए, ठीक है, कहने का मतलब है मेरी सैलरी 100 थी, 10% बढ़ी 110, अगेन 10% बढ़ी 121, ठीक है 121, मेरी सैलरी दो बार 10% का इंक्रीमेंट होने के बाद 121 हो गई, टोटल 21% का इंक्रीमेंट हो गया, समझ में आ रहा नहीं। अच्छा अब वो कह रहा है वापस मुझे 100 पे जाना है तो कितने परसेंट का मुझे घटाना पड़ेगा, 121 से 100 पे आना कितने परसेंट घटाना पड़ेगा, अब देखते हैं ऐसे करके कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, आपको दिखाई दे रहा है कितने का डिफरेंस है 21 का, कहां से 121 से मल्टीप्लाई 100 और इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, कैलकुलेट करके देखते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से चार ऑप्शन मेरे पास यहां पे दे रखे हैं, 15% मतलब बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू पूछ रहा है हमसे, बी पे देख रखी है 17%, सी पे देख रखी है 17.26% एंड डी पे दे रखी है 17.36%, ठीक है चार
मेरे पास, एक्यूरेट वैल्यू पूछ रहा है, इसे फ्रैक्शन में भी पूछ सकता था लेकिन इस बार एक्यूरेट पूछ रहा है, तो जब मैं आपको चार्ट बनाऊंगा उसमें सारी वैल्यू याद करा दूंगा। इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 17.36%। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 17.36% अगर हम 121 में से घटाएंगे परसेंटेज, तो वापस हमारी सैलरी बैक में पहुंच जाएगी, वापस हमारी सैलरी पुराने वाली हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं ट्रेंडिंग में, क्वेश्चन है जो ट्रेंडिंग में एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन में अगर थोड़ा चेंज दे दें, जैसे एक क्वेश्चन हमसे कह रहा है सैलरी पहले तो बढ़ाई गई, सैलरी पहले तो बढ़ाई गई 10%, ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें कह रहा है सैलरी प्राइस ऑफ अ बुक, सॉरी ये क्वेश्चन मैंने दूसरा ले लिया, प्राइस ऑफ अ बुक फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%, ठीक है, डिक्रीज बाय 20 एंड देन इंक्रीज। पहले जो है 25% डिक्रीज हुआ और फिर 20% इंक्रीज हुआ, बुक का प्राइस था पहले तो 25% डिक्रीज हो गया और उसके बाद 20% इंक्रीज हो गया, तो नेट इफेक्ट पूछ रहा है सेल, उसकी जो बुक की कॉस्ट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, नेट इफेक्ट पूछ रहा है टोटल उसके रेट पर, ठीक है। तो माना तो इसे सॉल्व करके देखते हैं, एक्स और वाई वाला मेथड तो है ही, एक्स प्लस माइनस वाला, ठीक है, ये वाला तो है ही हमारा, इसमें पुट अप करेंगे तो भी निकल आएगा। लेकिन अगर वैसे इसका सॉल्यूशन देखें, सैलरी कितनी, प्राइस जो है 25% घट गया, पहले 100 था प्राइस, 25% घटा दिया, अगर मैं 25% घटाऊं तो 75 हो गया, अब कह रहा 20% बढ़ा दिया, इस बार 20% ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 75 का 20% अगर मैं देखूं 15, 75 का 20% 15, तो ये हो गया 90, 100 था पहले प्राइस, 25% घटाया तो 75 हो गया, 20% बढ़ाया तो 90 हो गया। नेट इफेक्ट क्या है, नेट इफेक्ट सीधा सीधा दिख रहा है, 100 से 90 हो गया तो 10% डिक्रीज हो गया, माइनस हो गया 10%, ठीक है, तो माइनस का 10%। अब अगर इस फॉर्मूले में पुटअप करें, एक्स की जगह पे क्या है, पहले घटा, एक्स की जगह पे -25, वाई की जगह पे क्या है, बढ़ा, तो मतलब प्लस का 20 मल्टीप्लाई माइनस का 25 इंटू प्लस का 20 अपॉन 100, -25 प्लस 20 माइनस का 5, ठीक है, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करी कितना है, 20 × 100 × 5 × 25 5, तो माइनस का 5 छोड़ा गया, माइनस का 5 और माइनस का 5 माइनस का 10%, यहां भी माइनस का 10 और प्रूफ कर दिया मैंने यहां पे भी माइनस का 10, दोनों बार माइनस का 10। तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना इसकी, कल इसका चार्ट बनवा दूंगा वीडियो में एक ही बार में, अगर इतना घटा इतना बढ़ाए तो कितना नेट इफेक्ट होगा वो सारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलते हैं, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना और चैनल्स पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।